हेलो एक्सपीरियंस वेलकम यू ऑल टू कर्मवीर आईसीएस आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रीवियस लेक्चर पसंद आए होंगे और आप इस लेक्चर को भी इंजॉय करेंगे आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि मेरे आंसर देने से पहले आप सभी लोग क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए जिससे कि आप सभी को भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर वन अमंग द फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर रोड द बुक ज्ञान योग कर्मयोग एंड राजयोग निम्नलिखित प्रसिद्ध सुधारकों में से किसने ज्ञान योग कर्मयोग और राजयोग पुस्तकें लिखी आपके ऑप्शन हैं ए स्वामी विवेकानंद बी रनाडे सी राजा राममोहन रॉय रामकृष्ण परमहंस तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे आपके ऑप्शन हैं ए रामकृष्ण परमहंस बी एम एन दास गुप्ता सी स्वामी विवेकानंद डी स्वामी रंगनाथ नंदा तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे स्वामी विवेकानंद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री रामकृष्ण मिशन वॉज स्टार्टेड बाय रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था आपके ऑप्शन हैं ए रामकृष्ण परमहंस बी दयानंद सरस्वती सी स्वामी विवेकानंद डी राजा राम मोहन रॉय तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897 एडी 1897 ए में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की आपके ऑप्शन हैं ए विवेकानंद पी रामकृष्ण परमहंस सी गोपाल कृष्ण गोखले डी श्यामजी कृष्ण वर्मा तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेकानंद ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिस्ड रामकृष्ण मिशन इन द ईयर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी आपके ऑप्शन हैं एटीन सिक्सटी वन बी एटीन नाइन्टी वन सी एटीन नाइन्टी सेवन डी एटीन नाइन्टी सेवन तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी एटीन नाइन्टी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स द रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाई स्वामी विवेकानंद इन द ईयर रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी आपके ऑप्शन हैं ए 1886, बी 1892, सी 1898, डी 1897। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन

शरद तो मनी कौन थी आपके आंसर क्या होंगे ऑप्शन बी वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंसा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट दयानंद सरस्वती फाउंडेड दयानंद सरस्वती ने स्थापना की आपके ऑप्शन हैं ए ब्रह्मो समाज बी आर्य समाज सी प्रार्थना समाज डी बहुजन समाज तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन ईयर आर्य समाज फाउंडेड आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई ए 1865 बी 1870 सेवेंटी एटीन सेवनटी फाइव टी एटीन एटी तो नवे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टेन हुब्लिश द आर्य समाज आर्य समाज की स्थापना किसने की ए रनाडे बी दयानंद सी दयानंद सरस्वती डी स्वामी विवेकानंद ई नन ऑफ दोर वन ऑफ द एब दसवें दयानंद सरस्वती नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन हु ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ वेदास वेदों के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है आपके ऑप्शन हैं ए रामकृष्ण परमहंस बी रामानुजा सी स्वामी दयानंद सरस्वती डी स्वामी विवेकानंद ग्यारहवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेड लेट्स गो बैक टू द किसने कहा था आओ वेदों की ओर वापस चलें आपके ऑप्शन हैं ए राजा राममोहन रॉय बी दयानंद सरस्वती सी विवेकानंद डी रामकृष्ण परमहंस तो बारहवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती बी इज द राइट right आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है ए स्वामी दयानंद सरस्वती बी राजा राम मोहन रॉय सी स्वामी विवेकानंद डी स्वामी श्रद्धानंद तो तेरहवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटर्न बाई सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था ए राजा राम मोहन रॉय बी महात्मा गांधी सी स्वामी विवेकानंद डी स्वामी दयानंद सरस्वती चौदहवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश इज सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं ए स्वामी विवेकानंद बी स्वामी निश्चलानंद सी स्वामी डी स्वामी हरिदास नन ऑफ द these तो पंद्रहवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई नन ऑफ दीज क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे दयानंद सरस्वती तो ई e, इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हु हैज रिटन सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है ए राजा राम मोहन रॉय बी बाल गंगाधर तिलक C. स्वामी विवेकानंद डी दयानंद सरस्वती तो सोलहवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। सत्यार्थ प्रकाश इज अ सेकर्ड बुक ऑफ सत्यार्थ प्रकाश किसकी पवित्र पुस्तक है ए आर्य समाज बी ब्रह्म समाज सी थियोसोफिकल सोसाइटी डी प्रार्थना समाज तो सत्रहवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए आर्य समाज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन हु वॉज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे आपके ऑप्शन हैं ए स्वामी श्रद्धानंद बी महर्षि डी के कार्वे स्वामी दयानंद सरस्वती डी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अठारह क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच अमंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट निम्नलिखित में से किस संगठन ने आंदोलन का समर्थन किया ए आर्य समाज बी ब्रह्मो समाज सी देव समाज डी प्रार्थना समाज 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए आर्य समाज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन लेबल्ड एज असर्शन and the other as reason r assertion a the Arya samaj movement gave self confidence and self reliance to the hindus reason the Arya samaj movement undermined the belief in superiority of white white race choose the correct answer from the code given below नीचे दो कथन दिए गए हैं एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है दावा a आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दी कारण आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास को कमजोर कर दिया नीचे दिए गए कोर्ट से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है तो बीसवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा देखो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं का आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कारण का स्टेटमेंट क्या कह कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत नस्ल के श्रेष्ठता में विश्वास को कमजोर कर दिया ये भी बिल्कुल सही है लेकिन क्या इस वजह से जो हमारे हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाई गई तो नहीं ये रीजन इसका गलत है दोनों स्टेटमेंट वाइज बिल्कुल सही स्टेटमेंट है लेकिन जो रीजन आर है वो इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हु ऑफ द फॉलोइंग सेट गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट निम्नलिखित में से किसने कहा अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प नहीं है ए लोकमान्य तिलक बी स्वामी विवेकानंद सी स्वामी दयानंद डी रविंद्रनाथ टैगोर इक्कीसवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हु द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्ट हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले शब्द स्वराज का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया आपके ऑप्शन से ए राजा राम मोहन रॉय बी स्वामी दयानंद सी स्वामी विवेकानंद डी बाल गंगाधर तिलक तो बाईसवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फर्स्ट तुलसीदास सेकेंड राजा राम मोहन रॉय थर्ड स्वामी विवेकानंद फोर्थ दयानंद सरस्वती निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें पहला तुलसीदास दूसरा राजा राम मोहन रॉय तीसरा स्वामी विवेकानंद चौथा दयानंद सरस्वती तो तेईसवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बताइए सबसे पहले क्या आया था सबसे पहले तुलसीदास आए थे फिर उसके बाद कौन आए थे उसके बाद राजा राम मोहन रॉय फिर स्वामी विवेकानंद और सॉरी सबसे पहले तुलसीदास, फिर फिर दयानंद सरस्वती जी आए थे और लास्ट स्वामी तो one, two, four, one, two, four, में स्वामी विवेकानंद तो वन टू फोर थ्री वन टू फोर थ्री किसमें है ऑप्शन बी में है तो बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर हु फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे ए दयानंद सरस्वती बी राजा राम मोहन रॉय सी आत्माराम पांडुरंग, डी महादेव गोविंद रनाडे तो चौबीसवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे ए आत्माराम पांडुरंग बी तिलक सी एम जी चंद्राकर डी एम जी रनाडे पच्चीसवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडु रंग ए इज द राइट आंसर तो आज हमने सेट ऑफ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आई को थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग